सजा जी बना लेना दे भगवान। हमने कई पोजीशन में लाई थी ना निशान। ये बूढ़े माता पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। पास ही सन्यासी बेटा बैठा, जिसका दिल इनके आंसुओं से भी नहीं पसीज रहा। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। लेकिन इन आंसुओं से भी बेटे की शक्ति की भक्ति नहीं पिघली। जब वो तो जय सतीश, पर वो रईस तो फुल टाइम हरे कृष्ण मूवमेंट में संत तरीके से, ये तो क्लियर है, वेरी क्लियर। लोग माता पिता में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन इंजीनियर से पुजारी बने दिशांत पटेल भगवान से मुलाकात में माता पिता को अड़चन मान बैठे हैं। यार माँ बाप ने बहुत दुखी कर दिया, बहुत दुखी कर दिया। लोग समझाते रहे कि माता पिता ही भगवान हैं, साक्षात भगवान, लेकिन सन्यासी बेटे के इरादे नहीं बदले। दिशांत पटेल ने भी ठान लिया है कि परिवार रूठे, जग छूटे, लेकिन प्रभु के संग ना छूटे। 25 साल के दिशांत पटेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब सन्यासी बन चुके हैं। वो अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में 3 साल से सेवा कर रहे हैं। घर परिवार सब छोड़ चुके हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता भी क्या करें। इकलौता बेटा है जिसे पालने में जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर दी, उसे आंखों से दूर कैसे जाने दें। बेटे की पढ़ाई, शादी, दादा दादी बनने के सपने सब आंखों के सामने टूट रहे हैं। भगवान ने एक कमजोर को मारा दिखराली से हम बने डाल ले आप तो सदनली बने ले ले दे सदनली बने ले ले दे भगवान सदन हमने कई पोजीशन में। एक परिवार की ये दर्द भरी दास्तां दहलीज लांघ कर थाने तक पहुंच गई है। अपने ही बेटे को पाने के लिए माता पिता को इस उम्र में थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। माता पिता ने भी सोचा कि मंदिर से दूर पुलिस और समाज के सामने बेटे को समझाएंगे तो वो मान जाएगा। दिशांत पटेल परिवार भी परिवार से मिले, पूरे परिवार ने समझाया, रिश्तों की दुहाई दी, प्यार से मनाया, आंखें भी दिखाई, लेकिन बात नहीं बनी। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा, सो बस मैं वो कंटिन्यू करना चाहूँगा और बस इतना ही, ज़्यादा अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। प्रभु की भक्ति तो ठीक है, लेकिन दिशांत पटेल से जब पूछा गया कि माता पिता के प्रति जिम्मेदारी भी होती है तो वो बिना कुछ कहे ही चले गए। आपके पेरेंट्स के प्रति भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? निराश माता पिता अब बेटे के घर लौटने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उसको पता चलेगा 2 साल के बाद कि मम्मा ऐसे ही मर गया, पापा ऐसे ही मर गया, तो शायद हो सकता है कि मेरे रिलेटिव सब आए। मेरे को वही डर है कि शायद उसको अगर ये हो गया तो डेड बॉडी भी टच करने का नहीं मिलेगा। दिशांत बालिग है, अपना अच्छा बुरा खुद तय कर सकते हैं। ऐसे में कानून भी माता पिता की कोई मदद नहीं कर सकता। साधु जी का इतना कहना है कि अभी उसने सन्यास मतलब साधु जीवन ग्रहण कर लिया है तो अभी घर नहीं जाना, कि वो अपनी मर्जी से 3 साल पहले सन्यास तो ये साधु जीवन स्वीकारा है, अभी साधु जीवन ही व्यतीत करना चाह रहे हैं। इस परिवार की कहानी अब दुनिया के सामने आ गई है। एक तरफ परिवार का प्यार है, जिम्मेदारी है, माता पिता अकेले हैं, उनकी हजारों ख्वाहिशें हैं जो दम तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ भगवान की भक्ति है, सन्यासी जीवन है जो कहता है कि प्रभु ही एकमात्र सत्य है। दिशांत ने तो अपना फैसला कर लिया है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भगवान अपने तो परिवार पराया कैसे हो गया। ये तस्वीर कुछ साल पहले की है। अब सन्यासी बन चुके दिशांत तब माता पिता के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये तस्वीर तब की है
जब अहमदाबाद में रमेश भाई पटेल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि उनका बेटा उनके पास था जो अब उनसे दूर हो गया है। एक तस्वीर में दिशांत पटेल माँ शर्मिला के साथ दिख रहे हैं। माँ बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कभी माँ की मुस्कुराहट ही दिशांत के लिए सब कुछ थी, अब जिंदगी के मायने महत्व बदल गए हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि परिवार में कितना प्यार था, दिशांत माता पिता के कितने करीब थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दिशांत अब माता पिता को अकेले छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। 31 मई 2015 को दिशांत पटेल घर से ये कहकर निकले थे कि वो मंदिर जा रहे हैं, लौट आएंगे, लेकिन दिशांत नहीं लौटे। जब माता पिता दिशांत से मिलने इस्कॉन मंदिर गए तो उनका आरोप है कि मंदिर प्रशासन ने उन्हें बेटे से ठीक से मिलने नहीं दिया। बेटे का बर्ताव भी बदला हुआ था। माता पिता का कहना है कि पढ़ाई के दौरान ही हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े लोग दिशांत के संपर्क में आए और दिशांत भक्ति की राह पर चल पड़े। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना बोले है कि इधर आ गया आपका लड़का और आपका लड़का ऐसे ही रहता है, आप ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ, टोटली ब्रेन वॉश टोटली। सोमवार की सुबह दिशांत के माता पिता एक बार फिर बेटे को अपने साथ ले जाने के मकसद से इस्कॉन मंदिर गए। उनके साथ परिवार के बाकी लोग भी थे, साथ में मीडिया के कैमरे भी थे। कैमरे पर इस्कॉन प्रशासन से बात हुई। प्रभु जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं बात नहीं सुनूं, मेरी बात सुनिए। आप हमारे घर आए, हम लोग बैठ के बात कर लीजिए ना, बात कर लीजिए ना, इससे लेना देना ही नहीं है। तो आपका जिम्मेदारी नहीं है कि आज आप बोल रहे हो कि हम बैठ के बात, आज तक आपने हमको भुला के मंदिर प्रशासन ने माता पिता को बताया कि दिशांत थाने गया है, वहीं पर आपकी उससे बात होगी, और थाने में ही दिशांत ने अपना फैसला सुना दिया। जब वो तो जय सतीश, पर वो रईस तो फुल टाइम हरे कृष्ण मूवमेंट में संत तरीके से, ये तो क्लियर है, वेरी क्लियर। मारू जीवन भी तने समर्पित हतो अने हवे आ पोजीशन में जोईस ते किडुन सेवा करू भगवान ने कहु छु के मारा दीकरा ली सेवा मने साल ले आप तो सडनली मने ले ले जे सडनली मने ले ले जे भगवान सडनली हमने कई पोजीशन में लाई दीदा निशान से कई पोजीशन। इस्कॉन मंदिर प्रशासन का कहना है कि दिशांत बालिग है और वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा है। पर जैसे मैंने आपको बताया पहले भी आंसर दे चुके हैं, हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे हजारों लोग आते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इनमें अनेक लोग आके अनेक सेवाएँ करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस सेवा को ज़्यादा तत्पर करना चाहते हैं, ज़्यादा निष्ठा से करना चाहते हैं, तो वो लोग मंदिर में आके जुड़ते हैं। तो इसमें ब्रेन वॉश की जो बात है वो एक्चुअली वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे कि हम उनका ब्रेन वॉश कर सके। मेरा बच्चा चाहते हैं, मेरा बच्चा जब वही बोल रहा हूं मैं, जब जल्दी आ जाए बस, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहना। जोर जबरदस्ती नहीं, उसको तो खाली फंडामेंटल राइट ही दिखता है, फर्ज तो दिख नहीं रही है। कोई पकड़ के तो माँ बाप या कोई भी कोई उसको पकड़ के तो फर्ज वो नहीं किया जाता।